हुसन पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। ये जो आप राइट साइड पे बड़ा बड़ा पहाड़ देख रहे हो जो सूखा पड़ा है, ये सर्दियों में बर्फ से फुल लोडेड होता है। यहाँ पे कम से कम 6 6 7 7 फुट बर्फ पड़ती है। अगर यहाँ पे कोई बंदा पैर रख दे तो अंदर धस जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं कुफरी से शिमला। ये देखिए, ये कुफरी की मार्केट है। ये जो हट्स बनी हुई है यहाँ पे आप खा पी सकते हो। ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कितने टूरिस्ट आए हुए हैं। ज्यादातर यहाँ टूरिस्ट नहीं बल्कि आपको गाड़ियों के ड्राइवर खड़े दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे फास्ट फूड कॉर्नर भी है। ये देखो भैया, एडवेंचर करने वाली जिप्सी, आप इस जिप्सी में भी एडवेंचर कर सकते हो। ये सारे टूरिस्ट एक ही बस में से आए हैं मुझे लगता है। अब ये सारे इकट्ठे होके घोड़े पे जाएंगे ऊपर। भाई इनको पता नहीं आप महासू पीक कैसे पहुंच सकते हो। घोड़े वाले आपको डरा देंगे कि आप घोड़े पे ही ऊपर जाना, रास्ता बहुत डेंजरस है और चढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं, आप यहाँ से ऊपर कुफरी महासू पीक पैदल भी जा सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से रबड़ वाले बूट लेने हैं और पैदल चल देना है। आपको ऊपर जाने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे और आप फ्री में ही बिना घोड़े के ऊपर चले जाओगे। ये देखिए कितनी टूरिस्ट गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे, और आपको ज्यादा यहाँ एडवेंचर जिप्सी भी मिल जाएंगी। आप यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर कर सकते हो। यहाँ पे देखने वाली चीजें एप्पल गार्डन, एडवेंचर जोन, कुफरी फन वर्ल्ड, ऊपर महासू पीक, और वहाँ पे आइस स्केटिंग है। यहाँ पे ज्यादातर टूरिस्ट दिसंबर और जनवरी में ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। ये यहाँ के रेस्ट हाउस आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे भी रूम लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी ले सकते हो। आप नीचे रोड तक यहाँ से पैदल भी जा सकते हो। यहाँ से पैदल पहुंचने के लिए आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे और वहां से आप बस लेके सीधा शिमला पहुंच सकते हो। अगर आप यहाँ कुफरी आते हो तो नीचे बस स्टॉपेज पे ही अपनी कार खड़ी कर सकते हो। आपको अपनी कार ऊपर लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ही टैक्सी कर लो। ये टैक्सी वाले एक्सपर्ट होते हैं, यही यहाँ पे स्नो में ड्राइव कर सकते हैं, हम जैसे नहीं कर सकते। वो देखिए सामने सारा नीला आसमान, कितना सुंदर व्यू है पहाड़ों का। भाई उतराई इतनी ज्यादा है, हमें स्लो स्लो ही जाना है। हुसन पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। ये देखिए हम पहुंचने वाले हैं नीचे, आप यहाँ का रास्ता देख लो। भाई काफी मोड़ हैं और उतराई भी बहुत ज्यादा है, ठंड भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई हुई है। कुफरी का एक और फेमस होटल रॉयल टेप यहाँ पे ही है। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो यहाँ सबसे बढ़िया होटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप यहाँ से आसानी से एडवेंचर करने के लिए जा सकते हो। शिमला से कुफरी ज्यादा हाइट पर है इसलिए यहाँ पे ठंड ज्यादा है और हमें भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि हम नॉर्मल कपड़ों में ही यहाँ आ गए। ये देखिए हम पहुंच गए अब नीचे। ये राइट वाले रास्ते से हम यहाँ आए थे, अब हम लेफ्ट वाले रास्ते से नीचे को जाएंगे। आपको दिखा देते हैं आपको बस पे कहाँ से उतरना है, कहाँ से जाना है। ये देखिए ISBT शिमला यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। बिलासपुर 116, हमीरपुर 160, कांगड़ा 235, हमने सीधा ही जाना है। और यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे होटल भी आपको देखने मिल जाएंगे। यह है कुफरी हाइट्स। टाइम देख लीजिए, 12:47 हो चुके हैं। हम चंडीगढ़ से नॉनस्टॉप 8:30 बजे चले थे और 12:47 पे कुफरी से वापस आ भी गए। आप देख लो कितने समय में हम चंडीगढ़ से शिमला, फिर शिमला से कुफरी, कुफरी से फिर वापस आए हैं। आप इस रास्ते से पैदल ही ऊपर जा सकते हो। आप चेक कर लो आपको कहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है। ये देखिए यहाँ पे जो बड़े सारा ऊपर टावर दिख रहा है, बस आप यहाँ पे ही अपनी कार पार्किंग कर सकते हो। ये देखो ये कितनी सारी गाड़ी खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ ये सारे टैक्सी वाले हैं। अगर आप यहाँ से ऊपर कुफरी टॉप पे जाना चाहते हो तो यहाँ से टैक्सी करके लेके जा सकते हो।
आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।